जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां सलमान फारूक हूँ और आज आपको एक कनाल का बड़ा ही मॉडर्न और बहुत ही लग्जरी घर दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये बहरिया टाउन के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वाक़ है। घर आप बाहर से देख रहे हैं, आपको बाहर से तो आइडिया हो गया होगा, इसी तरह इसकी फिनिशिंग भी इंतहाई प्रीमियम है। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारी हर नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होती रहेगी। तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर घर के अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एलिवेशन, आप देखें इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न एलिवेशन बनाई गई है। 50 फीट इसका फ्रंट है। अब आगे गैराज की बात करें तो गैराज बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया है। यहाँ पे दो सेडान और दो क्रॉसओवर बआसानी खड़ी हो सकती हैं। अगर आप इस साइड पे देखें तो इस साइड से एक मिनी लॉन बनाया गया है जहाँ पर शाम को अपनी चाय और कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको घर बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यह घर बनाया गया। तो आए अब अंदर चलते हैं। एंटर होते साथ एक बहुत ही प्रीमियम सी लॉबी आपको देखने को मिलती है जो आपको वेलकम करती है और बहुत ही वेलकमिंग सा इसका सारा एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं डबल हाइट लॉबी में इस घर को डिजाइन किया गया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही महंगी चीजें इस घर में यूज की गई है। इवन की आप इस फानूस को भी अगर देखें तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का ये फानूस है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो पीछे आपको पाउडर रूम नजर आ जाएगा। एंटर होते साथ बिल्कुल साइड पे पाउडर रूम है और इस साथ में इसका ड्राइंग है। तो जी आप मुझे ड्राइंग में एंटर हो चुके हैं, इसको आप ड्राइंग बना लेंगे, डाइनिंग बना लेंगे, सब टू यू। और इस साइड में मतलब कि आप इसको दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, या आप इसको ड्राइंग यूज कर सकते हैं या आप इसको ड्राइंग यूज कर सकते हैं। एक इसमें से ड्राइंग है और एक इसमें से डाइनिंग है। बहुत खूबसूरत घर है। आप एक एक चीज की क्वालिटी चेक करें, मेरे पीछे आप चेक करेंगे फीचर वॉल आपको नजर आएगी जिसपे एक टाइल प्लेस की गई है। बहुत खूबसूरत इसकी सारी डिजाइनिंग हुई हुई है। इस साइड पे आपको वुडन सारी फ्लोरिंग मिल जाएगी इसमें और ये इसकी फीचर वॉल है जबकि बहुत खूबसूरत वॉलपेपर्स लगाए गए हैं इसमें। तो चलें अब आपको इसके लाउंज में ले चलते हैं। तो जी अब हम बढ़ते हैं इसके लाउंज की तरफ और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे इसका किचन दे दिया गया है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले चलते हैं इसके लाउंज में। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ इसका लाउंज बनाया गया है। फानूस आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें लगाई गई हैं, मतलब कि घर की फिनिशिंग में और चीज़ों पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। बिल्कुल आप सामने इसकी फीचर वॉल देख सकते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत टाइल यूज़ की गई है, साथ पीछे वुडन का थीम है। बड़ा प्रीमियम लुक दे रही है इसको। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसका एक 360 व्यू देता चलूँ वॉल्स आप देख सकते हैं, सारी वॉल्स पे स्पेनिश चॉकिंग की गई है। लोअर पोर्शन में इसके दो बेडरूम्स हैं, ये इसका पहला बेडरूम है। इसकी फीचर वॉल आप देख सकते हैं, खूबसूरत फीचर वॉल बनाई गई है। और इसी के साथ यहाँ पे इसकी मीडिया वॉल दी गई है। सीलिंग्स की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत सीलिंग्स दी गई हैं। एक बड़े साइज़ की विंडो दी गई है और साथ ही इसका वॉशरूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं खूबसूरत एक एक चीज़ बहुत ही हुलूस से बनाई गई है। यहाँ पे जकूजी आपको देखने को मिल जाती है, ये एक बेसन लगाया गया और ये दूसरा बेसन लगाया गया। और कंसील्ड कमोड दिए गए हैं और शावर एरिया को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं शावर भी कंसील्ड इस्तेमाल किया गया है।
और इसकी सारी वार्डरोब इन्होंने वॉशरूम में दे दी है। अब आपको लेकर चलता हूँ उसके सेकंड बेड की तरफ। सेकंड बेड बिल्कुल ऑपोजिट है इसके फर्स्ट बेड से और सेंटर में एक वॉल बनाई गई है जिसमें ये टाइल दी गई है, बहुत खूबसूरत। ये जी इसका सेकंड बेडरूम है, इसकी भी फीचर वॉल आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। साथ हैंगिंग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे स्पेनिश शॉकिंग की गई है इसकी विंडोज़ के सराउंडिंग में। अब आपको लेकर चलता हूँ इसकी वॉशरूम की जानिब। तो इधर भी आप देख सकते हैं कंसील्ड कमोड्स यूज़ किए गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बेसन्स यूज़ किए गए हैं। शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कंसील्ड शावर्स यूज़ किए गए हैं। ये जी इसकी वार्डरोब है, स्लाइडिंग डोर के साथ इसकी वार्डरोब दी गई है। डोर्स भी आप देखें बहुत हाइटेड डोर्स इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। तो अब आपको लेकर चलते हैं इसकी किचन की तरफ, आपको इसका किचन दिखाते हैं और उसके बाद इसके अपर पोर्शन में चलेंगे। बहुत खूबसूरत ये जी इसका किचन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट थीम पे डिज़ाइन किया गया है इससे। इसमें आपको हॉट प्लेट और आपको डिजिटल एग्जॉस्ट ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। कबर्ड्स बहुत अच्छी यूज़ की गई हैं, इनकी शीट्स इंतहाई खूबसूरत हैं, इवन के यहाँ पे लाइट्स भी दे दी गई हैं स्पॉट लाइट्स। इसमें आपको पहले से बेकिंग ओवन देखने को मिल जाता है और माइक्रोवेव ओवन आपको देखने को मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। और इसी के साथ साथ ये तो आपका किचन है जिसको आप फैंसी किचन बोल सकते हैं, डर्टी किचन जो एक्चुअल है जहाँ पे सारा कुकिंग वगैरह का काम होगा वो ये है। आप देख लेंगे कैसे आपको इसके डिजिटल एग्जॉस्ट ने वेलकम किया है, हॉट प्लेट भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, बाकी एक्सेसरीज भी अच्छी यूज़ की गई हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के देखें आप, इसमें इसमें विंडो भी दी गई है ताकि वेंटिलेशन भी होती रहे। चलें अब आपको लेकर चलते हैं इसकी अपर पोर्शन की तरफ। तो जी व्यूवर्स, अब हम चलते हैं इसकी अपर पोर्शन की जानेब और देख सकते हैं आपके रेलिंग सारी मिरर की यूज़ की गई है, और यहाँ पे आपको डेकोरेशन पीसेस देखने को मिल जाते हैं, और एक बहुत खूबसूरत डबल हाइटेड लॉबी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बाहर बहुत खूबसूरत व्यू आता है इससे। तो जी अब मैं मौजूद हूँ इसकी अपर पोर्शन में, डबल हाइटेड लॉबी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव फानूस इस्तेमाल किया गया है, और इस साइड पे सारी टाइलिंग की गई है। इस साइड पे इसका टेरेस है और इस साइड पे इसका बेडरूम है। पहले बेडरूम को देख लेते हैं, ये इसका फ्रंट साइड का बेडरूम है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। फीचर वॉल देखें, फीचर वॉल को कनेक्ट किया गया सीलिंग के साथ जो कि एक बड़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे सारी स्पेनिश शॉकिंग कर दी गई है। ये जी इसकी विंडो से जो व्यू आता है, बड़ा ये पीसफुल एरिया है और एलडीए अप्रूव्ड भी है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी के बेसन्स यूज किए गए हैं। इसी के साथ साथ एलईडी मिरर मिल जाता है आपको इसमें, कंसील्ड कमोड, और आप टाइलिंग देखें कितनी प्रीमियम टाइलिंग की गई है, और इसी के साथ साथ सेपरेट शावर एरिया आपको मिल जाता है जिसमें कंसील्ड शावर्स यूज़ किए गए हैं, और आपको इसमें ऑलरेडी सीलिंग एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो
तो बिल्कुल मेरे राइट साइड पे इसका किचन दे दिया गया है, बिल्कुल उसी थीम पे जैसे नीचे किचन का थीम था। बहुत खूबसूरत। अब चलते हैं, आपको इसका ड्राइंग दिखाते हैं, और वह दिखाने से पहले आपको इसका स्टोर दिखाता चलूं। इसको आप एज अ प्रेड रूम भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मैं इसके अपर पोर्शन में मौजूद हूँ इस टाइम। ये इसका अपर पोर्शन का लाउंज है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। फानूस आप देख सकते हैं, बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के फानूस इस्तेमाल किए गए हैं। और बिल्कुल सामने इसकी मीडिया वॉल है जिसके ऊपर टाइलिंग की गई है, और इस साइड पे आपको वैसी ही स्पेनिश चॉकिंग देखने को मिल जाती है। ये जी मैं आपको इसका एक 360 व्यू देता हूँ। अब चलते हैं इसके अपर पोर्शन के बेडरूम की तरफ, सेकंड बेड की तरफ जो बैक साइड पे है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फीचर वॉल दी गई है, और इसके सामने आप व्यू भी देख सकते हैं, खूबसूरत व्यू। ये आप कह लें कि पेशियो बनाया गया है, या आप इसको एक कॉमन एरिया कह सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी चाय और कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एम्बियंस में प्लांटेशन देखने को मिल जाती है आपको। अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वेरी नाइस, इसका वॉशरूम आप चेक करें। आते साथ आपको यहाँ पे एक सेपरेट शावर स्पेस देखने को मिल जाती है। इस साइड पे वार्डरोब दी गई है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बेसन्स यूज किए गए हैं, कंसील्ड कमोड्स, और यहाँ पे आपको डेकोरेशन मिलने देखने को मिल जाती है जो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटेशन की गई है, और इसी के साथ स्टेप्स बनाए गए हैं जकूजी के लिए। और ओवरऑल आप टाइलिंग देखें अगर वॉशरूम की, तो बहुत खूबसूरत टाइलिंग दी गई है। अब आपको लेकर चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, फिर आपको उसकी बेल्कनी दिखाते हैं और बाकी सारी सराउंडिंग भी विजिट करवाते हैं। तो ये जी इसका थर्ड बेडरूम है, जैसा कि देख सकते हैं आप, फीचर वॉल दी गई है। फीचर वॉल में अच्छे और डिसेंट वॉलपेपर्स का यूज़ किया गया है। ये इसकी मीडिया वॉल है, बहुत खूबसूरत घर बनाया गया। और ये आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम, अच्छी क्वालिटी के बेसन्स, वार्डरोब, इनकी सारी वार्डरोब्स वॉशरूम में बनाई गई हैं। डोर्स की आप हाइट देख सकते हैं, 10-11 फीट हाइटेड डोर्स हैं। यहाँ पे भी आपको कंसील्ड कमोड देखने को मिल जाता है, और एक सेपरेट शावर स्पेस, और इस पूरे घर में कंसील्ड शावर्स यूज किए गए हैं, और एग्जॉस्ट सारे इसके सीलिंग के अंदर ऑलरेडी फिटेड हैं। तो अब आपको लेकर चलते हैं इसकी बेल्कनी के जानेब, और ये व्यू आप एंजॉय करें, खूबसूरत व्यू है ये, खूबसूरत व्यू। तो जी व्यूवर्स, अब चलते हैं इसकी बेल्कनी की जानेब और आपको बेल्कनी विजिट करवाते हैं। ये देख सकते हैं कि सारा आप इसका एलिवेशन का पार्ट है। और ये सारी इसकी सराउंडिंग है, बैरियर टाउन के एक बहुत ही प्रीमियम इलाके में ये घर लोकेटेड है, और सारी फैसिलिटीज़ और सारी बेसिक नेसेसिटीज़ इधर मौजूद हैं। तो घर आपने देख लिया होगा, घर आपने विजिट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ घर आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि आप सराउंडिंग्स देख सकते हैं, बैरियर टाउन के एक बड़े ही प्रीमियम ब्लॉक में वाक़ है घर, और फिनिशिंग भी आपने इसकी देखी होगी, बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग इसकी की गई है। तो अगर आप ये घर में इंटरेस्टेड हैं, या घर परचेज करना चाहते हैं, घर विजिट करना चाहते हैं, तो अभी रिहाइश होल्डिंग्स के नंबर नीचे दिए गए हैं, आप हमसे किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि रिहाइश होल्डिंग का आपसे वादा है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ आप अपनी दिल की तसल्ली के साथ अपनी सारी डील्स क्लोज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।